कन्नौज पंचायत कर्मियों की 22 जुलाई से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। जनपद पंचायत प्रांगण में हड़ताल के चलते ग्राम पंचायतों में समस्त विकास कार्य बंद पड़े हैं। ग्रामीण जनों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त मोर्चा के संयोजक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी प्रवीण अग्रवाल द्वारा बताया गया कि आज हमारे हड़ताल का 8वां दिन है। हमने अपनी मांगे शासन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया ताकि यह बात शासन तक पहुंचे। इससे यह प्रतीत होता है कि शासन हमें जितना वेतन दे रही है उस वेतन में हम शरीर पर एक तरफ से कपड़े ही पहन सकते हैं, इसलिए हमें अर्धनग्न होकर हड़ताल जारी रहेगी और जब तक शासन हमारी मांगों के समर्थन में आदेश जारी नहीं करेगा तब तक यह आंदोलन सतत जारी रहेगा। इस मौके पर हड़ताल में 85 पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक एवं जनपद के कर्मचारी गण उपस्थित रहे। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। जैसे कि आज तो आपकी हड़ताल का 8वां दिन है, अभी तक आज आपने क्या प्रदर्शन किया? आज 8वें दिन पर हम लोगों ने शासन के समक्ष अपनी मांगे प्रस्तुत करने के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है, जिससे हमारी शासन तक ये बात पहुँचे कि हम जितना वेतन शासन हमें दे रही है और जिस वेतन में हमसे जितना काम ले रही है उस वेतन में हम सिर्फ हमारे शरीर पर एक ही तरफ के वस्त्र सहन कर सकते हैं, एक ही तरफ के वस्त्र अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए आज हमने अर्धनग्न होकर यह प्रदर्शन किया है ताकि हमारा जीवन यापन किस तरह से हो रहा है शासन तक ये बात पहुंचे और शासन हमारी मांगों को तत्काल पूर्ण। आज 8 दिन में आपकी हड़ताल चले, शासन ने कोई विचार किया आपकी हड़ताल को लेकर? प्रदेश स्तर पर संगठन से जो हमारे पास चर्चा आ रही है उसमें कहीं ना कहीं पता चला है कि संगठन के पदाधिकारियों को शासन मानता है तो आमंत्रित कर रहा है, परंतु उसमें अभी तक जो देखने में आया है शासन कहीं ना कहीं कर्मचारियों को तोड़ने का काम ज़्यादा कर रहा है बजाय कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में विचार करने के। तो ऐसी स्थिति में अभी हम किसी भी प्रकार से जब तक हमें केवल आश्वासन ही मिलते रहेंगे तब तक हम किसी भी प्रकार से हमारे इस आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं है। जब तक हमें हमारी मांगों के समर्थन में आदेश प्राप्त नहीं होते तब तक किसी भी स्तर पर हम मांगों को पूरी करवाने के लिए हर स्तर तक जाएंगे। आज हमारा यह उग्र रूप में प्रथम चरण है। इस चरण के माध्यम से हम शासन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हमने आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है तो आगे हम इस आंदोलन को और ज़्यादा उग्र रूप देंगे जब तक हमारी शासन हमारी मांगे पूरी नहीं करता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।